हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एनिमे फिल्म वर्ड्स बबल अप लाइक सोडा पॉप को। वर्ड्स बबल अप लाइक सोडा पॉप ये एक एनिमेशन ड्रामा रोमांस फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है क्योही इशिगुरा ने। तो वही फिल्म की कास्ट में है इचिकावा सोमेगोरो, हाना सुगिसाकी, नात्सुकी हाने एंड मेगुमी हान। तो फ्रेंड्स, कहानी फोकस करती है चेरी और स्माइल पर, जिन दोनों को ही कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, जहां चेरी को पोएम्स के जरिए ही अपनी बातें और थॉट शेयर करना पसंद है। तो वहीं स्माइल एक लाइव स्ट्रीमर है जो मास्क पहनकर ही लाइव स्ट्रीम करना पसंद करती है। जिन दोनों के मिलने पर क्या होता है क्या नहीं, वही जानने के लिए आपको देखनी होगी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये एनिमे फिल्म वर्ड्स बबल अप लाइक सोडा पॉप। तो फ्रेंड्स, नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाले एनिमेस और एनिमे फिल्मों को लेकर फैंस की जो कंप्लेंट रहती है वो इस फिल्म को देखने के बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। रीजन है फिल्म का प्लॉट, जो भले से ही सिंपल है पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो वही ये फिल्म एक काफी अच्छा मैसेज भी देती है, जिसके चलते नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वर्ड्स बबल अप लाइक सोडा पॉप इस साल की मस्ट वॉच एनिमेटेड फिल्मों की लिस्ट में शामिल होती है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। स्पेशली टीनेजर्स को, जो इस फिल्म से काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, तो वही एनिमे फैंस को भी इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। रीजन है फिल्म का डायरेक्टर क्योही इशिगुरा, जिन्होंने अपने करियर में एक बेस्ट म्यूजिकल ड्रामा एनिमे योर लाई इन अप्रैल बनाया है। जो कितना ज्यादा बेस्ट है वो तो मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर आप एक एनिमे फैन है। और अब वापस आ जाओ फिल्म वर्ड्स बबल अप लाइक सोडा पॉप पर, जो भले से ही योर लाई इन अप्रैल जितनी ज्यादा बेस्ट ना हो, पर अपनी कहानी और प्रेजेंटेशन के मामले में ये फिल्म बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, जिसे बिना कंपेयर के आपको देखना है, जिसका डायरेक्शन और एनिमेशन दोनों ही बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, जिसके चलते ये फिल्म विजुअली भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, जिसका क्रेडिट ऑब्वियसली फिल्म का डायरेक्टर क्योही इशिगुरा को ही जाता है। तो वही कैरेक्टर्स डेवलपमेंट में भी ये फिल्म आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, जिसमें स्माइल और चेरी दोनों ही कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से की गई है, जिसके चलते दोनों ही कैरेक्टर से आप काफी आसानी से कनेक्ट हो जाओगे। तो वही फिल्म के बाकी कैरेक्टर्स को भी स्टोरी के हिसाब से काफी अच्छे से लिखा और फिल्म में दिखाया गया है। तो वही वॉइस एक्टर्स का काम भी अच्छा है, जिन सभी की वॉइस परफेक्ट सूट करती है कैरेक्टर्स पर। बाकी ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर जापानीज और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, तो वही आप इस फिल्म को फैमिली के साथ भी काफी आराम से देख सकते हो। और अब बात करूं बाकी चीजों की, जैसे BGM जो अगेन काफी बढ़िया है, पर हाँ, कुछ लोगों को ये फिल्म थोड़ा बहुत बोर कर सकती है, क्योंकि फिल्म की पेसिंग स्लो है, जो शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत फील तो होगी। तो ओवरऑल मेरी नजर में फिल्म वर्ड्स बबल अप लाइक सोडा पॉप एक मस्ट वॉच फिल्म है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। फिल्म वर्ड्स बबल अप लाइक सोडा पॉप को मैं दूंगा 4 स्टार्स। तो फ्रेंड्स, ये था एनिमे फिल्म वर्ड्स बबल अप लाइक सोडा पॉप को लेकर मेरा रिव्यू। पर अगर आपने ये फिल्म पहले से ही देख रखी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।